उसके काम नेक हैं या रास्त। अगर एक बच्चा ऐसे उंगली में पेंसिल लगाए, ऐसे उंगली में पेंसिल लगाए, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब कैसे दोस्तों? हाँ, सिगरेट पीने वाला है। तो अगर ऐसे साफ करता है, ऐसे से साफ उंगली भी ऐसे साफ साफ करता है, इसका मतलब वो खाली सिगरेट नहीं पीता, खाली सिगरेट वो नहीं पीता। बहुत सी बातें हम थोड़े वक्त में सीखेंगे, मजेदार बातें हैं, गौर से सुने। और इस मौजू पे बहुत कम लोग बात करते हैं। टीनेज एक ऐसी उम्र है इसको लोग पता क्या समझते हैं, अगर वो गलत काम करता है तो मां कहती है मेरा पुत्र छोटा जहर, तो सही काम करता है फिर भी मां कहती है इसको भी यार इतने बड़े काम करने की क्या जरूरत है। प्लीज नोट करें इस बात को, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मां कहती है, बाप भी कहता है, दोनों कहते हैं। इसलिए बच्चा अपनी हर बात से पहचाना जाता है उसके काम रास्त हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं या क्या काम है, या मां बाप जो हैं वो इन बच्चों को कितना इग्नोर करते हैं। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा नाबालिग है, मेरे बच्चों को समझ नहीं है, ये तो मां का डांटना मां का इकलौता पुत्र है। इसलिए इस बात को हम समझेंगे जानेंगे 29 बाप में आ जाती है, 29 बाप की 15 है। छड़ी और तंबी, छड़ी और तुम्हें, छड़ी और तुम्हें हिकमत बरसती है, छड़ी और तुम्हें हिकमत बरसती है। और आगे तो लिखा हुआ है जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रसवा करता है। जो बेतरबियत जिसकी तरबियत नहीं की जाती क्या होता है? अपनी मां का मां को रसवा। और मैं आपको बताऊं जो बेहतर नियत बच्चे हैं वो पासवान के लिए, क्लिसिया के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसलिए लड़के की उस राह पे तरबियत कर, पहले काम कर दीजिए लड़के को उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। अच्छा, अब ये जो टीन एज है इसके जो फेलोशिप है ना उसको मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला तिमोथियस चौथे बाब की 12वीं आयत में लिखा है कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बहसियत मां बाप जो जवान बच्चे हैं ना उनमें और टीन एज के बच्चों में अगर मैं कहूं ना दीवार खड़ी कर दे, दीवार लगा दे उनके साथ, बीच में दीवार खड़ी कर दे, और फिर अगर दीवार आपने नहीं लगाई आप देखें ये जो आकाश भाई जो जवान है और जैसा जो छोटा बच्चा है इसका क्या करदार है और इसका इंपैक्ट जो है, इसका असर जो है, इसकी इसकी जो खसलत है इस नौजवान की, इसके ऊपर इस नौजवान पे कितनी अच्छी और कितनी बुरी हो सकती है। थोड़ी शुगर, आज शुगर की मेडिसिन है, सख्त बुरा है, लेकिन सुनेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। मैंने विकास भाई का नाम जानबूझ के लिया है, इनका करदार जिस्म के लिए क्या है? अगर ये करदार खूबसूरत करदार है, बाबरकत करदार है, अगर ये पहला क्रोध चौथे बाद बार में आयत के मुताबिक करदार है कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। अगर इस नौजवान की जवानी की हकारत सरेआम अखबार में, पुलिस स्टेशन में, फॉर्म 9 के सामने शख्स छुट्टे इसको पकड़ रहे हैं, अपने बेटे को मत इजाजत दी कि वो बकास के साथ चले फिरे, खाए पिए, पानी भी ना साथ पिए, इस हद तक अपने बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चा जो बेतरतीब छोड़ा जाता है अपनी मां को रसवा करता है। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर पहला तिमोथियस चौथे बाब की 12वीं आयत गौर से पढ़े। आए नौजवान, तो अब फिर वायस में लिखा हुआ है 11वें बाब में, आए जवान तो अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूस अभी नहीं आए, और इन सब बातों का तुझे अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, खुदा के सामने पेश होना पड़ेगा, खुदा तुझे पूछेगा कि वकास भाई
तेरा साया जो है जैसल पे पड़ा है या इंसिया पे पड़ा है या अभिषेक पे पड़ा है, तेरा करदार क्या था और इसका रूप क्या नजर आया है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन सारी बातों को हमें मलहूसे खातर रखना है कि हम अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को या अपने बड़े को हम अपना क्या उसका हम क्या करदार पेश करते हैं। उसका असर जो है उस पे तो नहीं होता। हाँ, कंबल में मुंह करके सारी रात रोती रहती है कि मेरा बेटा जस क्यों पीता है, शराब क्यों पीता है। नाम तो इसका दाऊद है जो बाइबल मुकद्दस में सात बार खुदा की प्रस्तुत करने वाला था, ये क्या करता है। ये बात हमें आज समझने की जरूरत है। यर्मिया का सही पाव उसका पहला बाप उसकी पहला सियाह जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यर्मिया नबी जो है वो कहनों के कबीला में से है, कहानत उसके पास है। और फिर खुदा ने उससे कहा, आए यर्मिया जब तुम्हारे पेट में था तो मैं तुझे जानता था, मैंने तुझे मखसूस किया, 5000 पढ़ते थे आप, मैंने तुझे मखसूस किया है कि तुम नबी हो। क्या हो? नबी। क्या हो? नबी। क्या हो? नबी। खुदा कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है कि जब तुम्हारे पेट में था। और यर्मिया नबी का पूरा सीधा आप पढ़े, यर्मिया नबी को लोग खुदा की खातिर कहते हैं रोने वाला नबी है। क्या है? रोने वाला नबी, रोता ही रहता है 24 घंटे। और आज जिस बच्चे का नाम यर्मिया होता है ना, वो बहुत रोता है। शायद वो खुदा के हुजूर ना रोए, जिस्मान पर बहुत रोता है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि हम खुदा के हुजूर आंसू बहाने वाले हों, दुआ करने वाले हों, अपनी विनते कौम के लोगों के लिए दुआ करने वाले हों, अपने लोगों के लिए शिफायत करने वाले हों। इसलिए जब ये बेटा मां के पेट में है या मां के पेट में था, जब ये मां के पेट से बाहर आके बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, क्या खुदा ने इसके साथ जो कलाम किया था उस कलाम के लिए कायम है कि नहीं कायम। समसोन मां के पेट से मंसूब था। आप 14 बाप पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसको दलाला से मोहब्बत होगी। क्या हुआ? इश्क हो। क्या हुआ? इश्क हो गया। और लोग कहते इश्क ना पूछे जात है, वो अजीब सी बात लोग इश्क ना पूछे जात। तो फिर जब मुकरता जो लोग ये कहते हैं, मैं दुख से ये बात कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस में इश्क लफ्ज है वो हमेशा नेगेटिव बात है, बदी की बात है, नफरत की बात है, नापाकी की बात है, गुनाह की बात है। और जो लोग इश्क करते हैं उसका नाम संसूर होता है और उनकी आंखें निकल जाती हैं। ऐसे नौजवानों का साया अपने बच्चों पर पड़ने ना दे। फिर मैं अपनी बात करता हूं, कहनों की बात करता हूं। एली कहन और सैमुएल एक ही जगह पर थे। खुदा ने 7 बार सैमुएल को बुलाया और पहले 3 बार वो एली कहन के पास चला गया। बूढ़ा था एक तरह, शायद इससे ज्यादा बूढ़ा हो सकता है, उसको खुदा की आवाज सुनी। जब तीसरी बार गया तो उसने कहा, अब अगर खुदा तुझे बुलाए तो क्या करना? कहना खुदावन मैं खुदावन मैं। ऐसा बच्चा होना चाहिए। ऐसे कहन का क्या फायदा, ऐसे सैमुएल का क्या फायदा जिसको खुदा की आवाज का पता ही ना चले कि खुदा बोल रहा है। सैमुएल 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 वकास 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 किधर है? प्रस्तुति का टाइम हो गया है तो किधर है? ये ऐसे लग रहा है जैसे खुदा आदम को कह रहा है, आदम तो कहां है? और कह रहा है खुदावन मैंने तुझे तेरी आवाज को सुना पर मैंने देखा कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह कर बैठा हूं, मैं नाफरमानी कर बैठा हूं, मैंने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया। आज लोग पत्तों में नहीं छुपाते, कंबल में छुपाते हैं ताकि ना टाइम नजर आवे ना मिल जाए। क्या करेंगे अपने बच्चों के लिए? क्या होगा अपने बच्चों का? क्या कलीसिया के बच्चों का होगा? कैसे परवान चढ़ेंगे? हम नाम यशुआ रखते हैं, क्या मेरा नाम मूसा है? नाम इज़हाक रखते हैं, क्या मेरा नाम इब्राहिम है? किस तरह की हम हमारे बच्चों की परवरिश है? मां की बात करेंगे। मैं इस बात को रात को सीख रहा था, हन्ना उस बच्चे को जो दूध पीता है
क्या वो खुदा के घर में जब छोड़ के आई होगी उस पर क्या गुजरी होगी? आज मैं शोभा से कहता हूँ, शोभा दो दिन के लिए ना, शोभा दो दिन के लिए अमन मुझे दे दो, कभी भी नहीं देगी, एक घंटे के लिए नहीं देगी। खुदा के घर में छोड़ना, खुदा के लिए वक्त करना, खुदा के काम के लिए सर्फ करना तो बड़ी दूर की बात है। दो घंटे बाद माए उदास हो जाती है, पता नहीं मेरे बेटे का पेपर भी बदला पादरी साहब, पता नहीं थिएटर दिया कि नहीं दिया, खाना दिया कि नहीं दिया, उसका ख्याल किया कि नहीं किया। एक लम्हे के लिए सोचिए उसके पीछे वजह क्या थी। पहले बाप जब नसीहत पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि वो दिलगिरी के साथ दुआ करती रही। क्या दिलगिरी के साथ? साढ़े बर्तन ही खत्म नहीं होते साफ करते, कपड़े नहीं खत्म होते साढ़े, साढ़े पोचे नहीं खत्म होते, हम क्या दुआ करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम क्या बच्चों के लिए मिन्नत करते हैं। नोहा की किताब लिखा है दूसरे बाप की 18 में, उठ रात के पहलों में फरियाद कर, तेरी आंख की पुतली आराम करने ना पाए, तेरे आंसू नहर की तरह जारी रहे उन लोगों के लिए जो शबो रोज दुआ कर जो भूख से मदहोश पड़े हैं। जो इधर पेंसिल लगा के ना ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसी माए हैं, मां चेस्ट नहीं आती, बाप ओवर टाइम से फुर्सत नहीं है, मजबूरियां बहुत हैं, भाई जी सरदा निगाह पूरी नहीं पहनती, गिरजे की थुआई है। ये नहीं आप कह रहे कि मैं पासवान में इसलिए बात कर रहा हूं, कितना वक्त हम खुदा को देते हैं। कलाम में लिखा है दिया करो, दिया करो, दिया करो, दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा। असी कहने ऐसे घर बहने तो पादरी दुआ कर रहे हैं, और जब हम छोटे थे ना तो वहां पर जब क्या सेंसीन होता था, किसी को पादरी बुलाया ना दुआ के लिए, मेरी आंखों देखा हाल है, एक दफा किसी सामने दुआ के लिए बुलाया, तब मैं छोटा था, हाई स्कूल में था, तो पासर को आंखें बंद करते हैं, पासर भाई इश्वाक पूछे बैठा, भाई इश्वाक साहब मिलकर दुआ करेंगे, तो भाई इश्वाक ने कहा सब हम आंखें बंद करें, जुटी पाई तो कहता पादरी साहब क्या तनखा अभी काली देने दुआ से आप कर रहे थे। क्या ऐसे वालदैन के बच्चे कुछ कर सकते हैं? ऐसी माओ के बच्चे कुछ कर सकते हैं? ऐसी माओ के बच्चे यशुआ बन सकते हैं? ऐसी माओ के बच्चे का नाम इसहाक हो सकता है? ऐसी माओ के बच्चे का नाम याकूब की बजाय इस्राइल हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। इसलिए खुदा आज मुझे आपको सिखाना चाहते हैं। इंसाफ का लिखा हुआ है, आए मेरे बेटे अपने बाप की बात को सुन ले, पहले बाप की आठवीं आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगाओ, बाप की तरबियत पर और अपनी माँ की तालीम को तरक, अपनी माँ की तालीम को तरक ना। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है, अगर सैमुअल कामयाब शख्स था, कामयाब नबी था, और अगला में लिखा हुआ है कि सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं दिया, उसके पीछे उसकी मां है। अगर मां दुआ गोना हो, मां अगर आटा गूंथते वक्त दुआ ना करे, सब्जी पकाते वक्त उसको ब्लेस ना करे, और मां उसके बच्चे के कपड़े सिखाते उसको ब्लेस ना करे, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। अगर मां उस बच्चे को चर्च ना लेकर आए, उसको क्या पता चर्च क्या है, उसको क्या पता संडे स्कूल क्या है, उसको क्या पता खादिम कौन है, उसको क्या पता उस जगह का पासवान क्यों है, कौन है। इसीलिए खुदा ने सैमुअल की हिफाजत की। और सबसे बड़ी बात, आप पहला सैमुअल जब पढ़ते हैं ना, खुदा ने सैमुअल के बाद 6 और बच्चे हदा को दिए थे, जो भांज थी, जो रोती रहती थी। बोनस है, बोनस अगर आप बोनस लेना चाहते हैं खुदा के हजूर, तो दुआ करना शुरू कर दें अपने बच्चों के लिए। बादशाह की बात करें, नबी की बात करेंगे, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल जब आप पढ़ोगे ना 11वां बाप, तो दूसरा जन्म 11वां बाप को पढ़े,
और तेरे में बाप को घर जाके पढ़े, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप क्लू दूंगा। जो गुनाह दाऊद ने किया था वही गुनाह उसके बेटे ने किया, और ऑल ना गुनाह, ऑल ना हॉरेबल हॉरेबल गुनाह, ऑल ना गुनाह उसके बेटे ने किया। इसलिए बाप जब कोई गुनाह करने के लिए घर से निकले, बाप अगर कुछ गलत काम करने के लिए घर से निकले, अपनी जेब में लिख के डाल दे कि ये गुनाह मेरा बेटा ठीक वक्त पर करेगा। बाइबल की सच्चाई है ये, मैं अपनी तरफ से बात नहीं आपको कर रहा, बाइबल की सच्चाई है। हौल ना गुनाह दाऊद के बेटे ने अपनी बहन के साथ उसने जिना किया, दाऊद ने तो किसी और से जिना किया था, दाऊद के बेटे ने अपनी ही बहन से। मैं वो मुझे डर लगता है ये बात कहते हुए भी। पास्टर प्रेमनाथ यहां पर हैं, अच्छे खुदा के खादिम हैं, वो हर अपने मैसेज में दाऊद का रेफरेंस जरूर देते हैं। वो कहते हैं इधर कहते हैं जब मैं आसमान पे जाऊंगा ना, दाऊद मुझे यहां से पकड़ लेगा, पादरी साहब सिर्फ यही मसाल ताली। मेरे बहन भाइयों, बाप जब कोई गलत काम करने के लिए खड़ा होता है, अपने आप को उसके बेटे के दाऊद के बेटे की जगह खड़ा कर ले कि कल को मेरे साथ ये हो सकता है। सो बेतबीयत बेटा अपनी मां के लिए क्या है? रसवाई। रसवाई जो होती है ना, रसवाई का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैं कोई सामने मेरे खड़ा है, मैं इधर मुंह करके उस जगह उस रास्ता को छोड़ दूंगा, उस जगह उस बंदे की तरह मैं देखी वाली साइड पर निकल जाऊंगा। इतनी रसवाई की बात है, शर्मनाक बात है। सो अपने बच्चों की आप तरबियत खुदा के अलहाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक करें। अब जो टीनेज के बच्चे हैं ना, जल्दी से मैं दो चार बातें आपकी ग्रामीण करूंगा। सबसे पहले वो अपनी शनाख्त चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जैसे बच्चा जैसे 13 साल का होता है ना, अब तो बच्चे 10 साल के बड़े मास्टर हो गए हैं, मेरे से अच्छा मोबाइल सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट है, गूगल है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम वो करते हैं, टिकटकी है, या बड़े सारे काम जो है बच्चे करते हैं। उस वजह पता क्या है? वो कहते हैं मां आपको किसी बात की समझ नहीं, बाबा जी चश्मा भी दो हो गया है, दो चश्मे दूर मिल गए हो गया है, दीवार भी चिट्टे हो गए नहीं, आपको क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त। और जब जिस बाप का बेटा बाप से बड़ा हो जाए, वो बाप और बेटा दोनों मौत में होते हैं, ताबे फरमानी उनकी नहीं होती, मौत की हालत में होते हैं। इसलिए इस सेल्फ आइडेंटिटी का हम इसको कैसे बता सकते हैं? मत्ती के जील के 8वें बाप में एक मिसाल है, एक वाक्य है, बाइबल में तमसील है। सुबेदार ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि यहां खड़े होके कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। उसने फिर आगे बात समझाई कि ये जो नौकर है ना, मेरा नौकर मेरे इख्तियार में है। तो हम अपने बच्चों को इस जगह पे सिखाएं, उल्लू इख्तियार जो है, आसमान और जमीन का इख्तियार जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। आप मेरे बेटे हो, आप बेटे बन के ही रहो, क्योंकि पहला कंठियों 11वां बाप लिखा हुआ है कि कलीसिया का सार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद यीशु मसीह का सार आसमानी बाप है, और इस कलीसिया को इस जगह पे रहकर खुदावंद यीशु मसीह की ताबे तमानी करनी है, और बच्चों को माँ बाप की ताबे तमानी करनी है, ताकि एक मजबूत कलीसिया बनकर, जलाल वाली कलीसिया बनकर हम आसमानी बाप के सामने पेश हो जाए। बेटे को बताएं, बेटा तेरा क्या इख्तियार है, मेरा क्या इख्तियार है, आसमानी बाप का क्या इख्तियार है, खुदावंद यीशु मसीह का क्या इख्तियार है, कलीसिया का क्या इख्तियार है। जब सब बातें बताएंगे उसकी बात उसको समझ
आ जाएगी। फिर मैंने आपसे बात की एली काहिन के बच्चों की बात की, उसको हम स्किप करेंगे। एली काहिन के बच्चे और सैमुअल इकट्ठे रहते थे, लेकिन नेग्लेक्टेड मान थे एली काहिन के बच्चे। और आप इस बात को पढ़े, बाप को पढ़े, एली काहिन का सिर्फ जिक्र है, बुआ का जिक्र है, मिसेस पास्टर का जिक्र वहां पे है ही नहीं है। दुख से कह रहा हूं आपको बुआ, मिसेस पास्टर का वहां जिक्र ही नहीं है। क्या करती होगी बेचारी, वो क्या कर रही है, क्या बच्चों की तबीयत कर रही है, और वो क्या कर रही है, ये सारी चीजें बगौर हमें समझने की जरूरत है कि हम इस रेल के ऊपर, इस पटड़ी के ऊपर जब चलते हैं तो हम दोनों का ईमान एक होना चाहिए, मियां बीवी का ईमान एक होना चाहिए। अगर मियां बीवी आपस में साल साल बात नहीं करते रुसेरेंगे में एटीएम को हैं, तो फिर बेश फायदा मियां बीवी को है फायदा, नो फायदा, माफी फायदा। मेरे बहन भाइयों, एली काहिन के बच्चे इतने आवारा थे हम सोच नहीं सकते। और ये बातें मैं आपको अल्फाज से नहीं कह रहा, मैं आपको पूरे नोट्स बाद में भेजूंगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। काहे की उनकी शनाख्त थी, उनकी शनाख्त ये थी, मिथा कलाम में खुदा में लिखा हुआ है एली काहिन के बच्चे शरीफ थे। ये उनकी क्या है शनाख्त है, क्या शनाख्त है, शरीफ थे। और सैमुअल के बारे में क्या लिखा है कि सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं दिया। अब सोच ले हमारे बच्चों को क्या होना चाहिए, एली काहिन होना चाहिए या एली काहिन के बच्चे होना चाहिए या सैमुअल के बच्चे होना चाहिए। दूसरी बात, इस एज के बच्चे उनको अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस चाहिए, पसंदीदगी चाहिए, अपनी मर्जी से उठे, मर्जी से सोए, मर्जी से खाएं, मर्जी से किसी को कॉल करें, जो उनके मन में है वही काम करते हैं। माफी कंट्रोल, माफी कंट्रोल। और माएं भी बाप भी मोबाइल बेकार, सबके अपने अपने टैब हैं, सबके अपने अपने टैब्स हैं, और सबके पास अपने अपने चश्मे भी हैं। हमारे ऑफिस का एक बंदा है, उसके चार बच्चे हैं, घर में छह चश्मे उनके और छह टैब हैं, चश्मे भी छह हैं, टैब भी छह हैं, और तीन चार को शुगर है उसके अंदर। वजह क्या है, अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं, अपनी पसंद के ड्रामे, पसंद की टिकटकी, पसंद के इंस्टाग्राम। मेरे बहन भाइयों, दुख से मैं कह रहा हूं, आज क्रिश्चिया को जगाने के लिए बात मैं कह रहा हूं, मां बाप को जगाने के लिए बात कह रहा हूं, उनकी पसंदीदगी हमें बहुत तकलीफ में ले जाएगी। इसका हल क्या है, ऐसी सूरत हाल में बच्चों के जो क्रिटिकल सवाल होते हैं उनको सही बात कहें। जैसे बच्चे पूछे खुदा ने यसुम से कैसे आए, क्यों आए, क्या मकसद था, अपनी तरफ से मत बताएं, किताबे मुकदस में से हवालों के साथ बात करें, फिर काम बनेगा। फिर ऐसी उम्र के बच्चों को जो शादीशुदा जोड़े होते हैं या जो जवान लोग होते हैं उनसे कंप्लीट आइसोलेट करें। हां मिले उनको, लेकिन अपनी मौजूदगी में मिले, लेकिन अपनी मौजूदगी में, अकेले उनको मत भेजिए, अकेले मत भेजिए। और इस उम्र के अंदर कोशिश करें कि जो कजन सिस्टम है उससे अवॉइड करें, कजन सिस्टम से अवॉइड करें। मसलन फुफो के पास भेज दिया, हफ्ता रह गया जी, मासी के पास भेज दिया, हफ्ता रह गया, मामू बड़ा दास सी, मामू के पास भेज दिया, और मियां भी हनीमून पे गए हुए हैं, बच्चे मामू की तरफ, मियां भी हनीमून पे है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हम कभी सोच नहीं सकते। इस हाल के अंदर खुद इनकारी सिखाएं बच्चों को, खुद इनकारी सिखाएं बच्चों को, और खुद इनकारी के बाद
जब खुद इंकारी बच्चों के अंदर आ जाएगी, खुद इंकारी मतलब होता है तौबा के अमल पर अमल करना, तौबा के अमल पर अमल करना, ये खुद इंकारी है, खुद इंकारी की दुआ होती है, उस पर अमल करना, तौबा के अमल पर अमल करना। उस तरीका बाइबल को उसमें क्या है, योना की झील के पहले बाब 12 लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें आसमानी बाप के बेटे और बेटियां होने का हक दे दिया है। अगले स्टेप पे लेके जाए उनको। मेरे बहन भाइयों, हम कह सकते हैं आए मेरे बेटे, तेरी अपनी जो पसंद है उसको छोड़ दे, तेरी पसंद जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, हमें खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ने की जरूरत है। और फिर अमाल का दूसरा बाप लिखा हुआ है कि वो रसूलों से तालीम पाने के लिए उनको खुदा के घर में ले गया। आज मैं दुख से कहूंगा, आप किसी का स्टेटस चेक करो ना, रात 2 बजे कहां बैठे कारनश पे, मैंने कहा था कारनश पे आप ना जाओ, आप जाओ, आप के एफ सी जाओ, आप कारनश जाओ, आप मैकडोनल्ड जाओ, आप जहां जाओ, लेकिन कलाम लिखा है दिया करो तुम्हें भी जो खुदा का हिस्सा है खुदा के घर में। तो मैंने एक शख्स को देखा, छोटा सा बच्चा उसका होगा 12-13 साल का, स्टाइलिश उका लेके कारनश पे खुद भी उका पी रहा है, उसका बच्चा भी पी रहा है। और मैं सिर्फ वहां पे चीखे मार रोया नहीं हूं, मेरे आंसू, मेरा दिल इतना क्राहियत से रो रहा था कि कल को ये बेटा क्या करेगा, धोखा मिल रहा है, क्या करेगा बेटा, क्या करोगे, जिस स्टेटस लगाते हैं। मैं दुख से सारी बातें कह रहा हूं, रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ में मशगूल रहने। आज किसी नौजवान को बोलो भाई जी और दुआ करिए, जो बात साहब दो गीत गा लिए, बड़ा टाइम जाया करते हैं, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ, टाइम जाया करते हैं। किसी को 1 घंटा दुआ करिए आप इनवाइट करो ना, आधा घंटा वो बाहर निकल जाएगा, पानी पीने चला गया, वॉशरूम चला गया, पता नहीं क्या क्या उसको आते हैं, घुटने मजबूत नहीं है, पसंदीदगी अपनी है, खुदा की पसंदीदगी है। कुरान में लिखा हुआ है दुआ में मशगूल रहो, क्या मशगूल का मतलब क्या होता है, मशगला शुगल आदत दुआ की होनी चाहिए, ना कि हुकाबिले की होनी चाहिए, ना कि हमारी जिंदगी में और बड़े काम होने चाहिए। और फिर जो बेटा बेतरबीय छोड़ा जाता है, मैं गौर कर लो प्रभु बाप के लिए होगा, बाप तो सारा दिन घर से बाहर रहता है और वो भी आपको आपको इल्जाम देगा आके की किता बच्चा की समझाए बच्चा बच्चे पीछे जाके आई आई दिए। मैं दुख से सारी बातें आपसे कह रहा हूं, पे अटेंशन, आपका चश्मा बच्चों के लिए 6x6 होना चाहिए, चश्मा बच्चों के लिए 6x6 होना चाहिए। जरूरत नहीं है मत मोबाइल लेके लिए, जरूरत नहीं है मत प्याजे के लिए। अच्छा, पहला रोमियो के खत के 13वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है, तो पढ़ के देखिए रोमियो 13वें बाब पहले में क्या लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे। अब अकार में मुझे बताएं लाइसेंस कब मिलता है, बंदे को लाइसेंस कब मिलता है, जब टेस्ट क्लियर करता है। नहीं नहीं, उम्र उम्र बताएं कितने उम्र होगी, 18 साल का, कितनी एडल्ट एज है, कितनी 18 साल। जो माँ बाप 18 साल से पहले अपने बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी देते हैं, वो मौत का कफन बच्चे के सर पे बांध के उसको भेजते हैं। हर शख्स आला हुकूमतों के क्या हो, ताबेदार, ताबेदार हो। इसका मतलब है NIC होगा, फिर लाइसेंस बनेगा, फिर बाप को चाहिए कि मोटरसाइकिल उसको देकर दे, नहीं तो बाप को खामोशी के साथ उसको समझाने की जरूरत है। अगर हम उससे पहले उसको मोटरसाइकिल लेके देते हैं
और उसको कहते हैं कि बेटा जा, और शाम को फिर कहते हैं भाई सैमुअल दोपहर का मुलाकात हो गया है बार वापस आया नहीं, चल अलमाना चलिए जरा, आखा चलिए जरा पता करिए एमरजेंसी च उत ब्याह होता है, लत भी टुटी है, सिर च सट लगी है, चार पांच पसलियां टुटिया ने, ओ भाई जी वो शोभा वड्डी बाजी सी ना उन्होंने लैन गया जरा, मैं की करा फिर कि शोभा लैके आंदा, इन्हें मैं मोटरसाइकिल देती सी, मैं कहता पुत्र ध्यान ना जावी ध्यान ना, इन्हें 120 की स्पीड से गया ठक गड्डी च मारी जाओ, कसूर किसका है शोभा ने, नो 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 नो, कसूर उस बाप का है, कसूर उस माँ का है जिसने अपने बेटे को बेतरबियत छोड़ा है, और अब कह रही है मेरे ना कोई अफसोस ही नहीं करना आया कि मेरा बेटा उठे इसी पिया है, तो चंगा प्यार है प्यार है उठे की लोड़ बात करना दोनों, इसलिए उसने वो खुद भी मरता है और दूसरों को भी मारने के लिए उसके पास कोशिश होती है, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि आला हुकूमतों की ताबे रहे, और ये हम अपने बच्चों को टीन एज के अंदर ये सिखाएंगे, पहले मत्ती 6:10 क्या लिखा है 6:33 में मत्ती के नीचे कैंसिल का है, पहले आसमान की बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, जैसे आपके बच्चे 10 साल 11 साल 12 साल के हैं उनको खुदा बाप खुदा बेटा खुदा पाक के नाम से बपतिस्मा देने के लिए उनको कायल करें, जस्ट लेके आए बताएं समझाएं खुदावंत की निजात खुदावंत के कुफारे में उनको छुपाएं, जब हम उनको खुदावंत के कुफारे में छुपा देंगे एक बड़ा काम उनकी जिंदगी में होगा, वो आपसे कभी नहीं बहस करेगा कि पापा मैं 18 साल का नहीं हुआ, मैं 18 साल का भी हुआ मुझे अभी तक मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, मुझे अभी कार की चाबी नहीं चाहिए, लास्ट वीक एक यहाँ पे एक शख्स की मैंने बात कर रहा था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, 18 साल का नहीं था, गाड़ी इसने किसी गाड़ी में मारी, बाद में इतनी झूठियां उसको पड़ियां कि मैं आपको बता नहीं सकता, अगर शुरते शुक्र है उन्होंने शुरते वो मुझे नहीं की थी, अगर शुरते में मेल करते तो सीधा उसको उठाते कहां पे 30 नंबर पे 30 नंबर लिया ना मैं सारा बूस पर डालते और उसको दोबारा मैं निकालता, इसलिए जो बेतरबियत बेटा छोड़ा जाता है उसकी माँ के आंसू रुकते नहीं, इससे पहले कि माँ के आंसू उसकी आईसीयू में गुजरे माँ के आंसू यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पे आंसू होंगे तो उसका नाम हना होगा और जब हना नाम होगा तो फिर उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, इस एज में बच्चों को बताएं स्कूल की में टीचर की इज्जत क्या करनी है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है इब्रानियों 13:17 लिखा है कि अपने पेशवाओं की इज्जत कर जो दिन रात दुआ करते हैं, टीचर है पास्टर है चर्च है सड़क स्कूल टीचर है खाना पकाने वाले भाई हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करना बच्चों को सिखाएं, जब बच्चों को सिखाएंगे मेरे साथ एक बड़ा ना बड़ी तकलीफ के काम को होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ी इज्जत से विकास भाई का नंबर लेता हूं, भाई आप मुझे अपना नंबर दे दें, आपको कभी जरूरत हो तो आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा करूंगा दुआ करूंगा, विकास भाई हफ्ता वो मेरा नंबर ना सेफ रखते हैं, हफ्ते के बाद मैं देखता हूँ थक से ब्लॉक आ गई थी मुझे, मैं पूछता हूँ क्या हुआ भाई, वो ना मेरी ना मोबाइल की स्टोरेज जो है ना वो थोड़ी होती है ना तो मैं उसको फिर ना मैं उसको ये मैं उसको वो तो जो इंस्टाग्राम है जो बाकी चीजें हैं उससे मेमोरी तो आपकी भी फुल होती है, सिर्फ मॉर्निंग डिवोशन में देखता हूँ दुआ करता हूँ बाइबल की याद देता हूँ उससे मेमोरी फुल हो जाती है, इस हद तक पुलिस ने लोगों की जिंदगी को अपने कैप्चर में रखा हुआ है कि पास्टर इज्जत ना करो बाकी जो सफाई वाला है उसको सलामा करो चर्च की इज्जत ना करो, खुदा के घर को छोड़ के सबकी इज्जत हम सिखाते हैं, मेरे बहन भाइयों कलाम में लिखा है अपने पेशवाओं की इज्जत करो जो शबो रोज तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं, और फिर पत्रस हाकिम से लिखा हुआ है
आप इस बात को समझ सकते हैं। अच्छा काम करने वाला अगर बच्चा है उसकी आप तारीफ करें, अगर कहीं वो गलत काम करता है ठीक जगह पे कल का इंतजार ना करें। हमारे एक दूर पार के रिश्तेदार थे, उसका बेटा जो बदतमीजी करता था ना, तो बाजी कहती थी मैं तुझे घर जाकर समझाऊंगी, घर जाकर डांटूंगी, और उस बच्चे ने कोई खुशी का निभा दिया। मैं दुख से कह रहा हूं आपको, अगर वही मां खींच के बना दी थप्पड़ सो टका राम लिखा है ना छड़ी की स्मार्ट आगे लिखा है, मैं पढ़ा पढ़ पढ़ दूंगा आपको नोटिस पर पढ़ लिया लिखा है। हम लाड प्यार से ना अपने बच्चों को मौत की घाट उतारते हैं। भाई साहब यहाँ पे थे सब लोग जानते हैं, खुदा के नाम मुझे तमसील एक सिखाई थी, एक मिसाल बताई किस शख्स को फांसी हो गई। जब आखिरी मुलाकात उस शख्स की हुई, जेलर ने कहा बेटा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूँ। माँ को मिला, अब मैंने सुना है कि जो जेल होती है ना उसमें सुराख छोटे छोटे इतने सुराख होते हैं सिर्फ बंदा शेक कैंड कर सकता है। उसने कहा माँ मैं आपको यहाँ किस करना चाहता हूँ, पपी लेना चाहता हूँ आपकी, थोड़ा बेहतर हूँ कल से। वो जगह जो थी ना सुराख जो था, माँ ने कहा बेटा का अपना कान इधर कर। जब माँ ने वहाँ कान किया उसने पूरा मुंह खोल के कान को ऐसे चक्की मारी ना, उस कान उसने उतार दिया। ये लड़का तूने क्यों इसके साथ ऐसे किया है, कह रहा है इस माँ ने जब मैं छोटी छोटी योजना करता था, किसी की बकरी उठा ली, किसी की मुर्गी उठा ली, अंडे उठा लिए, माँ कहती थी शाबाश शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, बड़ा सोना लग रहा है शाबाश। जब मैंने कत्ल किया मेरी माँ ने फिर मुझे कुछ ना कहा, आज मैं फांसी के धार पर लटने वाला हूं, इसका कसूर मेरा नहीं, इसका कसूर माँ का है। आई जेलर मुझे छोड़ दे, मेरी माँ को फांसी पर लटका दे, कसूरवार मैं नहीं कसूरवार मेरी माँ है। इसलिए बेतरबियत बेटा अपनी माँ के लिए रसवाई पैदा करता है, और वो माँ उस माँ का क्या हाल होगा जिसका अपना बेटा कहे कि आई जेलर मुझे छोड़ दे, मेरी माँ को जेल जेल के इस फंदे पर लटका दे। क्या हम तरबियत करते हैं, क्या हम कहते हैं, क्या बच्चों को हम बोलते हैं? मेरे बहन भाइयों सोचें और ख्याल करें, सेल्फ कंट्रोल। इस एज के बच्चे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ना चाहते हैं, पता क्या कहेंगे आके, पापा जी वो किरण भाई ना मेरे पीछे गाड़ी लेके आ रहे थे, मैं शुरू करने चला गया, बेलगाम घोड़े की तरह बूढ़ों का मजाक उड़ाना, अंकल कबर में गड्डी नहीं चलानी आती, मैं 140 स्पीड से गया सा फिर को आके उतर तेरना उस तेरी पटिया ठीक हो जाएगा है? दो जन मोरे मेरे डिस्टर्ब हो ये भी ठीक हो जाने बाद में। बेलगाम घोड़े की तरह उकाबों की तरह दौड़ना। अच्छा ऐसे पता क्या नौजवान होते हैं सतवीं चो अठवीं चो दसवां फेल हुए होते हैं, ते कोट ब्रांडेड पाना ब्रांडेड कोट टाई ब्रांडेड मेड इन पेरिस, पूछा की कीता अठवीं फेल हम की कीता की ये अठवीं फेल हम है, स्टेटस क्या है, ऐसे तस्वीर बन गया ऐसे स्टाइल बन गया, व्हाट द नॉनसेंस इज दिस, क्या बात है क्या है, किस तरह का हम लोगों को दौड़ कर सकते हैं। इस चर्च की विजन है और हम रोज इस बात के लिए दुआ करते हैं, कम से कम हर बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, सब बोले हर बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, पेट में पत्थर बांधो रोटी मत खाया करो वो पैसे बचाओ और अपने बच्चों के लिए आला तालीम का बंदोबस्त करो, रोटी खाना जरूरी नहीं है
बच्चों को पढ़ाना इंतहाई जरूरी है। लिमिटेशन और इख्तियार, आपका हदूद क्या है, इख्तियार क्या है, ये बच्चों को बताएं। बच्चा बेटा है, बाप नहीं। बच्चा बेटा है, बाप नहीं। जब वो कहे ना पापा आपको कुछ नहीं पता, उसको एक लफ्ज बोले, मैं तेरा बाप हूं, तेरा बेटा नहीं हूं। और ये इख्तियार मुझे आसमानी बाप ने दिया है कि मैं तेरा बाप हूं। फिर लड़कियों पांचवें बाप की 19 साल से लेकर आप आखिर तक पढ़िएगा, और फिर तुम्हारे दूसरे बाप की दूसरा बाप 22 साल का है। आए जवान, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और आज का अलबिया ये है, एक बेटा कैसे भागेगा जवानी की ख्वाहिशों से, जब बाप पहले जवानी की ख्वाहिशें करता है। और बाप गर्लफ्रेंड हो तो बेटे की दो होनी चाहिए, काम की बात है ना, जैसे दौड़ ने किया था। हर शख्स जो है उसको समझ होना चाहिए कि पहला तो वो कि इस पांचवें बाप की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, जवान बेटियों को कमाल पाकीजगी से बहन जान के उनकी इज्जत का। चर्च में, खानदान में ये भाभी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। चर्च में, खानदान में भाभी सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाजी प्लीज, मेरी ये बहन है, ये मेरी बाजी है, खलुस से, दिल से, दिल की पाकीजगी से बच्चों को उसी एज में सिखाएं कि ये आपकी कजन नहीं है, ये आपकी सगी बहन है। सगी बहन, सगी रियल, जैसे माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, एक माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, वो नेचर बच्चों को बताएं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी है, जनाकारी है, बदकारी है, लालच है, चोरियां है, बड़ी सारी बातें वहां लिखी हुई है, इनको छोड़कर रूह को उसके फलों से भर जाने के लिए बच्चों की तरकीब करें। हम हर रोज यहां पे मिन्नत करते हैं खुदावंद, जो नबी के सिफों से हम लिखा हुआ है, अखीर जमाना में मैं अपने रूह में से हर फर्दे बशर पर नाजिल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, टिकटकी नहीं बनाएंगे, नबूवत करेंगे, खुदा के हजूर बैठेंगे, दुआ करेंगे, नबिया की हैसियत से काम करेंगे, नबी की हैसियत से काम करेंगे। उनका तारक ये नहीं होगा कि ये शरीर हैं, उनका तारक ये होगा ये खुदा के लोग हैं, खुदा की कलीसिया हैं। फ्रीडम बहुत चाहते हैं, आजादी। मुझे कोई पूछे मैंने क्या बनना है, मैंने क्या करना है, क्या बच्चे कहते हैं? पापा ये प्रोफेशन आजकल बड़ा इन है। क्या है? बड़ा इन है। इन क्या कहते हैं? इन है, मार्केट में इसकी बड़ी वैल्यू है। ते पुत्र तनख्वाह ही कितनी है? ओ पापा तनख्वाह हम छाड़ी यार, सारी उम्र इतने कमाना है ऐसी ना, छठ भरा रखना। फ्रीडम, फ्रीडम। और फिर बाइबल की ऐसी ऐसी आयात ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। एक शख्स यहां पर था, कुर्बानी का गोश्त खाने का बड़ा उसको चस्का था, बड़ा मजे से खाता था, और बाइबल की आयतें आयतें ढूंढ ढूंढ के बताता था कि दुआ करो तो खा लो, दुआ करो तो खा लो। अपने मतलब की बात है, मतलब की आयात। क्या हम ये बच्चों को फीड करेंगे, ये बच्चों को बताएंगे? खुद हम आजादी को हमने बदी का पर्दा बनाया हुआ है, और बच्चों को हम मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस आजादी को बदी का पर्दा हमें नहीं बनाना। आजादी का मतलब ये है, जहां पर आजादी है वहां पे खुदा के पाक रूह का तसल्लत होना चाहिए, उसकी गहरी मामूली होनी चाहिए, और इस बात को हम बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इस आजादी के बजाय इंसान 29 बाप धारा को लिखा है,
जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। बच्चों को रोया गया, छोटा बच्चा हो उसके लिए दुआ करना शुरू करें, खुदावन इसको अपने डॉक्टर बनाए, इसको प्रोफेसर बनाए, इसको पीएचडी करना है, इसको बड़ा आदमी बनाना है, इसको जलाली हालत में लेके आना है। रोया दे बच्चों को, इसी लाइन पे चढ़ा दे, कहना चाहो प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। जैसा जब आप रोया देंगे बच्चों को तो फिर बच्चे उस लाइन पे लग जाएंगे, अगर रोया नहीं लेंगे तो बच्चे आवाजगी का शिकार हो जाएंगे और इतनी आवाजगी हो जाएगी कि वो बच्चा पूछेगा। इंग्लिश में 5W1H बच्चे बड़ा इस्तेमाल करते हैं, Who are you by the way? आप क्यों मुझसे पूछते हो, आपका इसमें क्या मतलब है, किस लिए मुझसे पूछते हो, क्या बातें मुझसे करते हो। मेरे बहन भाइयों, ये सारी बातें इतनी दुख भरी हैं, ये सारी बातें क्रिश्चिया के लिए दर्दनाक हैं कि हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि यीशु कौन है, Who is Jesus? क्यों वो आया, कैसे आया। शायद हम में से बहुत से ईमानदारों को ये नहीं पता खुदा यीशु से पैदा कैसे हुए। एक आम सी मिसाल है, कोई औरत मुस्लिम लोगों में काम करती थी, उसने कहा कि रोजे क्यों रखते हो, उसने कहा जी साढ़ा सारा कीदारा सी रोजे रख लिया, फिर इसरा आ गया, अज कड़ा दिन है तुहाडा, अज साडा खुदा यीशु सी ना मुर्दियों ने जी उठिया, क्यों कहती है जैसी करने वैसी भरनी, उसको ये नहीं समझ कि खुदावन यीशु मसीह क्यों मसलूब हुए, वो कहता है कोई कोई गलत काम किया होना देश वास्ते हो गया होगा। ये मां का हाल है, ये क्रिश्चिया का हाल है, ये सॉरी टू से मेरे जैसे पासवानों का हाल है, ये उन क्रिश्चिया के लीडरों का हाल है, उनको ये नहीं पता कैसे बच्चों को बताना है कि खुदावन यीशु मसीह क्यों इस जहान में आए। आज बहुत सारे मां बाप घर में इसलिए सोए हुए हैं, आज वीक ऑफ है, रिलैक्स होएंगे, सोएंगे, 2 बजे आराम से नाश्ता करेंगे, फिर सोएंगे, रिलैक्स होंगे। तो मेरे बहन भाइयों, इन बच्चों को कौन सच लेके आएगा, इन बच्चों को कौन खुदा के बारे में बताएगा, उसकी निजात के बारे में बताएगा, कौन इनका रहनुमा होगा, कौन इनको खुदा ने खासा काल को कलमा पढ़ने से बचाएगा। ये सारी बातें एक दर्द भरी कहानी है, एक दर्द भरा इवेंट है आज, कि आज का नौजवान कल का पासवान तब हो सकता है। आई मेरी बहन, तुझे मां कहलाती है, अपने बेटे को बेटी को बेहतर दिए ना छोड़, वरना रसवाई का प्लेटफॉर्म आपके लिए मेरे लिए तैयार है। असीस भाई, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, और इतने बेकैद होते हैं हम सोच नहीं सकते। आमीन आमीन आमीन। जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, इंश्योरेंस में जाएं, साल में एक चश्मा फ्री मिलता है, अच्छा सा चश्मा बनाए, गौर से देखोगे अपने बच्चों को, गौर से। मैं आपको इतने जोकर जोक की बात करके फिर आगे चलूंगा। ये जो बंदा था बैठा मेरा बहुत प्यारा भाई है, इसको डांटने का मुझे इतना मजा आता जिसके इंतहा नहीं। क्यों मैं इज्जत करता हूं, इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं ऐसे आप, ऐसे शख्स को जो उल्ट काम करता है, हालांकि उल्ट काम भी नहीं करता,
मुझे भी डांट खाता है, मैं खुशियाँ डांटता हूँ, इज्जत करता हूँ, उसकी प्यार करता हूँ। जो लोग गलत काम, आप देखो ना गलत काम करा है, प्यार से उसको अपने पास उठा कहें बेटा, जो बेटा बेतरबियत छोड़ा जाता है अपनी माँ को रसवा करेगा। लड़के की उस राह पे तरबियत पर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मिलेगा। अपने कदमों पर